नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव एकेडमी पर। जैसा कि अपनी सीरीज चल रही थी, पहली वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। SSC, MTS और GD, जो आपकी SSC GD के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी के हम पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन है उन्हीं की PY की सीरीज चला रहे हैं। आप सभी को पता है इस PY की सीरीज में हम डेली अपनी एक वीडियो डालने वाले हैं, तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस PY की सीरीज के बाद में पॉलिटिकल साइंस के आपके सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की नेक्स्ट क्लास का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यही क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। आपने यदि कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जाकर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो से आपको इस वीडियो से कवर होते हुए कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। इसी के साथ जो है 7 अन्य सदस्य भी थे, ये भी आपको पता होगा। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे भाई, जिनके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंकर, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल, M माधव राव, TT कृष्णामाचारी, जो आपको कल मैंने बताया था वही जो 7 सदस्य हैं उन्हीं के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है अपना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? ये पूछा गया भाई आपसे, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था? जैसा कि आप सभी को पता होगा 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा के अंदर। 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। कैबिनेट मिशन की स्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, और इसी के साथ संविधान सभा की कार्रवाई को प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया? तो अभी हमने बात की थी उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य के कथन को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के अंदर। कितने वर्षों लगभग में बात करनी है हमें, के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे? जैसा कि आप सभी को पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 11 माह और 18 दिन का समय जो है भारतीय संविधान को बनने में लगा था। आप सभी को पता होगा इस बात को, तो लगभग हम कह सकते हैं 3 वर्ष का समय लगा था। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहने वाला है अपना, 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि आपके अध्यक्ष थे, याद रखना है आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे, जिनके नाम मैंने आपको अभी अभी बताए थे भाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पूछे या अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री पूछ ले, अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री कौन थे? तो वो भी कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। और बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री,
वो भी आपके जवाहरलाल नेहरू। दोनों चीजें याद रखनी है आपको। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बलदेव सिंह की बात करें तो ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और साथ ही में भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? केंद्रीय बजट की बात हो रही है तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आर के षणमुखम सेठी के द्वारा, आप सभी को पता होगा, 26 नवंबर 1949 को 1947 को पास किया गया था। स्वतंत्र भारत की यहां बात हो रही है। पहला स्वतंत्र भारत का बजट 26 नवंबर 1947 को। वहीं पूछ ले, पहला गणतंत्र भारत का बजट किसने पास किया था? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे, पहला जो गणतंत्र भारत का बजट है वो किसके द्वारा पास किया गया था? तो यहां आपको लिखा गया है, सही आंसर आपका क्या रहने वाला है? जॉन मथई के द्वारा। जॉन मथई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट। किसका भाई? गणतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है, याद रखना है आपको, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथई और स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम सेठी। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेठी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पास किया गया। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने खालिस्तान को मसौदा समिति का गठन किया था। भाई पूछना चाह रहा है, मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो मसौदा समिति का आप सभी को पता होगा, मसौदा समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं आप सभी को पता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कैबिनेट मिशन की स्थितियों के आधार पर संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया गया। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो है वो 7 थी। आप सभी को ये बातें याद रखनी है भाई। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा किया गया था? पूछा जाए भारत की संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? व्यक्तिगत तौर पर हम बात करें तो एमएन रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी 1934 के अंदर। 1934 में पहली बार एमएन रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा का विचार पहली बार एमएन रॉय के द्वारा सन 1934 में दिया गया था। 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन, जो आप सभी को पता है, जिसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में भारत आता है भाई, याद रखना है। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। इसी मिशन के तहत भारतीय संविधान निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया, जिस संविधान सभा का नाम दिया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये आपको याद रखना है, मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे, 22 उसके भाग थे और 8 उसके अंदर अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान था उसको लिखने वाली संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पूछ रखा है भाई। अध्यक्ष आप सभी को पता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष पूछे तो एचसी मुखर्जी, याद रखना है भाई, एचसी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष
निर्वाचित किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे। तो 47 से पहले भारत में 26 जनवरी को किस क्या कहा जाता था? 26 जनवरी पूछा है भाई, 26 जनवरी को क्या कहा जाता था या किस रूप में मनाया जाता था? तो याद करना 26 जनवरी, उससे पहले 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। हमें याद रखना है 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले जब तक कि देश आजाद नहीं हुआ था इस तारीख को, तो जब तक जो है 26 जनवरी को क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। आपको याद होगा 1930 के अंदर जो है अपना रावी नदी के तट के ऊपर आपके जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसी कारण 26 जनवरी को क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज का संकल्प प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बनने पर भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले खालिस्तान द्वारा शुरू की गई। भाई याद करना 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, 1909 के द्वारा पहली बार सांप्रदायिक प्रणाली, चुनाव प्रणाली की स्थापना की गई थी, जिसके तहत मुस्लिम वर्ग को जो है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली में मुस्लिम वर्गों को दी गई थी। निर्वाचन प्रणाली पहली बार मुस्लिमों को दी गई थी मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। 1909 के अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम भी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय मार्ले जो है वो इंग्लैंड में भारत के सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो है वो भारत के वॉइसरॉय थे, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को जो है, याद रखना भाई इस बात को, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो आप सभी को पता होगा मूल संरचना का जो सिद्धांत जो है निर्धारित करने वाला एक केस, आप सभी को याद होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। केशवानंद भारती वाद जो था बनाम केरल सरकार, केशवानंद भारती और केरल सरकार जो है आमने सामने आ गए थे इस केस के अंदर 1973 को। याद करना भाई 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की, अब तक की सबसे बड़ी न्यायाधीशों की बेंच, ये भी आपको याद रखना है, 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचती है, तो इस संविधान संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों को अनुच्छेद 368 के
तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। 368 में आप सभी को पता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। इसी केस के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट की एक ऐतिहासिक फैसला आता है। 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी बेंच ने एक फैसला दिया था जिसके अंदर इसके मूल ढांचे में कोई भी संशोधन करने की प्रक्रिया को अलाउ नहीं किया गया है। भाई भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो आप सभी को पता होगा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसके अंदर अस्थायी जो सदस्य है, अस्थायी जो आपके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, और आपके स्थायी जो अध्यक्ष बनते हैं वो आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, ये आपको याद रखना है, कुल 389 और 292 जो है प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जो 93 जो है देशी रियासतों से आए थे, ये आपके मनोनीत सदस्य थे। कौन थे भाई? मनोनीत सदस्य थे, और ये जो प्रांतों से आने वाले थे ये निर्वाचित सदस्य थे, ये मनोनीत सदस्य थे, ये निर्वाचित, और जो आपके 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वहां से एक एक प्रतिनिधि आने वाला था। तो 4 जो सदस्य हैं बचे हुए वो आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने वाले थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली कार्रवाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू की गई थी। भाई भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? यहां पूछा है अंगीकृत कब हुआ, तो याद रखना, आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था भाई, उसी दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, परंतु संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए, और 26 जनवरी 1950 को जो है आपका भारत देश है वो गणतंत्र एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सा भारतीय अधिवेशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो याद रखना, पहला जो आपका अधिनियम आता है 1773 के अंदर, लॉर्ड नॉर्थ उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं। भाई लॉर्ड नॉर्थ कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा भारत ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। 1773 के अंदर भारत के संवैधानिक विकास में पहली बार मील का पत्थर साबित हुआ था जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। भाई विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप सभी कमेंट करोगे भाई, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन भी है, तो सभी लोग एक बार कमेंट में लिख दें भाई इसका आंसर क्या आने वाला है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान,
तब तक हम बात कर ले विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है। छोटे की बात करें तो छोटा संविधान जो है आपके अमेरिका, विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का। और सबसे बात करें सबसे बड़ा संविधान, सबने सही आंसर दिया है भाई, भारत का जो है सबसे बड़ा संविधान है भाई। इसको याद रखना है, अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। और वही बात करें भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं भाई, 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। बात करें सबसे लचीला संविधान कौन से देश का है, तो सबसे लचीला संविधान है वो है ब्रिटेन का है भाई। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वहीं अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे पुराना लिखित सबसे छोटा संविधान कौन सा है? अमेरिका का। और विश्व का सबसे पुराना परंपराओं पर आधारित संविधान कौन से देश का है? तो वो याद रखना है आपको, ब्रिटेन का है। परंपराओं पर या अलिखित सबसे पुराना संविधान की बात करें तो वो है ब्रिटेन का। संविधान में अन्य देशों में उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो ये किसके वचन थे, आप सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया था जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में डॉफरिंग कमेटी ने तैयार किया था, तथा इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है बनकर लागू हो गया था भाई। भारत एक गणराज्य बन गया था। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष, बहुत बार आ चुका है भाई ये क्वेश्चन, भारत के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, मसौदा समिति में कितने सदस्य थे, सभी आपको याद रखना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, और टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे भाई इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही रहने वाला है? तो यह कई संविधानों का मिश्रण है, ये बात तो आपकी राइट है भाई, क्या कई संविधानों का मिश्रण है, क्या यह पूरी तरह ब्रिटिश संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटिश संविधान पर तो पूरी तरह आधारित नहीं है हमारे देश का संविधान, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। तो यह भी बिल्कुल गलत है आपका, 1935 के आधार पर नहीं बनाया भाई, कई देशों के संविधानों का मिश्रण किया गया है इसके अंदर। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है, यह भी बात आपकी गलत है। तो आपका ऑप्शन ए है वो राइट आंसर रहेगा भाई। भारतीय संविधान कई संविधानों के मिश्रण है, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभावी स्रोत कह सकते हो आप भारत शासन अधिनियम 1935। आप सभी को पता होगा भारत शासन अधिनियम से अधिकांश जो है अनुच्छेद लिए गए हैं, लगभग 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो संबंधित है या उनसे लिए गए हैं, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ उनको भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया। तो ये आज की हमारी क्लास थी, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को एक लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो के। धन्यवाद दोस्तों।